हे सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आरवी एंड यू आर वाचिंग शिवारो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के इमोजीज को कैसे आईफोन वाले इमोजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सो गाइस, आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर आपको ये iOS वाले इमोजीज दिख रहे होंगे, कितने कूल लगते हैं देखने में भी। सो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको इस वीडियो का पूरा देखना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलते हैं सीधा, मैं सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड वाले इमोजीज दिखा देता हूँ। ये मेरे पास वीवो का मोबाइल है, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास सारे के सारे एंड्रॉयड वाले इमोजी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा किस टाइप के आपको इमोजीज मिलते हैं एंड्रॉयड में। सो आप इसको कैसे कन्वर्ट करना है सिंपली आपको वो बता देता हूँ। आपको सीधा एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा एप्लीकेशन का। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे कलर्स आप चेंज कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का, यहाँ पे इमोजीज रहते हैं एंड यहाँ पे स्टाइलिश फ़ॉन्ट एंड ये भी सेम रहता है। और यहाँ पे डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कलर चाइनीज लैंग्वेजेस रहती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन, आप बंगाली, यूक्रेन, कोरियन, यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। और ये सब कुछ फ्री है, आप यहाँ पे लोकल में जाएंगे तो आपको जो भी आपने ऐप फॉन्ट या फिर इमोजीज यूज कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। सो अभी आपको इमोजीज कैसे कन्वर्ट करने हैं एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड वाले इमोजीज आपको आईफोन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले मैं 13 वाले इमोजीज यूज कर रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने अपडेट किया तो इसमें 14 वाला भी अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर। तो आपको इसको सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है। एंड मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा तो आप इससे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 3 सेकंड का ही टाइम लगता है बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू कैन चेंज फॉन्ट, गो टू आई थीम, लोकल फॉन्ट, टैप कस्टम जेड फॉन्ट एंड अप्लाई इट। सो यहाँ पे हम चेंज फॉन्ट कर देते हैं। सो गाइज, आप इसको यहाँ से चेंज फॉन्ट करते हैं तो सीधा आपको आई थीम में लेकर आ जाता है, जो आपकी लोकल थीम रहती है आपको आपके मोबाइल में। सो यहाँ पे आपको क्या करना, अभी लोकल फॉन्ट्स पे जाना है। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रहता है आपका फॉन्ट, जो कि हम इसको आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं जेड फॉन्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम जेड फॉन्ट, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो आपका इमोजीज जो होगा वो सारा आईफोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि हमारे एंड्रॉयड वाले इमोजीज आईफोन में कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं। यहाँ पे हम गूगल में चलते हैं पहले की तरह और यहाँ पे हम इमोजीज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन वाले सारे इमोजीज हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं आप ऐसे ही आप अपने एंड्रॉयड वाले इमोजीज आप आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।